नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हेल्थ प्लस में आपका स्वागत है। जैसा आप सभी जानते हैं, कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया घरों में कैद है और दुनिया में कई अलग अलग बातें चल रही है कि कहीं ये चीन का दुनिया का सिरमौर बनने की साजिश तो नहीं, यानी चीन ने पूरी दुनिया पर जैविक हथियार का इस्तेमाल तो नहीं किया है। तो दोस्तों, आज हम अपने वीडियो में इसी पर बात करेंगे कि दुनिया में कब कब जैविक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। सबसे पहले, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर ले और वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे। 1346 ईस्वी में प्लेग से मरने वाले मंगोल योद्धाओं की लाशों को क्रीमिया के काफा शहर की दीवारों पर फेंक दिया गया था। एक लंबी घेराबंदी के बाद, जिस दौरान जेनी बेग अधीनस्थ मंगोल सेना रोग से पीड़ित थी, उन्होंने काफा शहर के निवासियों को संक्रमित करने के लिए लाशों को शहर की दीवारों पर फेंक दिया। ऐसा अनुमान है कि यूरोप में ब्लैक डेथ के आगमन के पीछे शायद उनकी इस करतूत का ही हाथ था। ये घटना करीब 250 साल पुरानी है, लेकिन अमेरिकियों के जहन में आज भी जिंदा है और ये बहुत दुखदाई है। कई अमेरिकी शोधकर्ताओं का कहना है कि आजादी के लिए संघर्ष कर रहे अमेरिकियों पर ब्रिटिश हुकूमत ने जैविक हमला करवाया था। अमेरिका को आजादी मिली थी 4 जुलाई 1776 को, लेकिन इस आजादी के संघर्ष के दौरान ही कई इलाकों में स्मॉल पॉक्स की बीमारी बुरी तरह से फैल गई थी। इस बीमारी को लेकर बाद में खुलासा हुआ कि ये ब्रिटेन द्वारा प्रायोजित जैविक हमला था। ब्रिटिश सेना ने स्थानीय अमेरिकियों पर जैविक हथियारों का इस्तेमाल किया था, जिससे बड़ी संख्या में अमेरिकियों की तड़प तड़प कर मौत हो गई थी। चीन जापान युद्ध के दौरान जापान की इंपीरियल आर्मी ने ज्यादातर चीनियों पर जैविक प्रयोग किए। इसमें एंथ्रेक्स, प्लेग, हैजा, जापानी बी इन्फ्लाइटिस, रिफ्ट वैली बुखार, येलो फीवर, चेचक मुख्य रूप से शामिल है। सैन्य अभियान में जापानी सेना ने चीनी सैनिकों और नागरिकों पर जैविक हथियारों का इस्तेमाल किया। विभिन्न ठिकानों पर प्लेग, पिस्सु संक्रमित वस्त्र और संक्रमित सामग्री युक्त बम गिराए, जिसके परिणाम स्वरूप 4 लाख चीनियों की मौत हो गई थी। हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले एंथ्रेक्स के बीजाणु शुरुआत में गलती से 1979 में स्वर्डलोवेस्क नामक एक सोवियत बंद शहर के पास एक सैन्य केंद्र से हुआ था। एंथ्रेक्स रिसाव को जैविक चेर्नोबिल भी कहा जाता है। 1980 के दशक में चीन की जैविक प्रयोगशाला में एक गंभीर दुर्घटना हुई थी। यूनाइटेड नेशन को संदेह था कि 1980 के दशक में चीनी वैज्ञानिकों द्वारा विषाणु जनित रोगों को हथियार का रूप दिया जा रहा है। प्रयोगशाला में एक दुर्घटना की वजह से क्षेत्र में रक्तस्रावी बुखार की दो अलग अलग महामारियों का प्रसार हुआ था। 2009 में अल्जीरिया में प्लेग से अलकायदा के प्रशिक्षण शिविर का सफाया हो गया था, जिसमें लगभग 40 इस्लामिक आतंकवादियों की मौत हुई थी। विशेषज्ञों ने यह भी कहा था कि यह दल जैविक हथियार विकसित करने पर काम कर रहा था। जैव आतंकवाद से लड़ने में मदद कर सकता है ये भेड़नुमा पशु लामा। टेक्सास स्थित फाउंडेशन फॉर बायोमेडिकल रिसर्च के वैज्ञानिकों के अनुसार, लामा में पाए जाने वाले प्रोटीन वे तत्व है जिनका इस्तेमाल बीमारी से लड़ने में किया जाता है। लामा में पाए जाने वाले रोग प्रतिरोधक तत्वों को सिंगल डोमेन एंटीबॉडीज या नैनोबॉडीज कहा जाता है। ये रोग प्रतिरोधक तत्वों से अलग होते हैं और जैव आतंकवाद को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद है आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में जाकर हमें जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपके कुछ सुझाव है तो वो भी हमें बता सकते हैं, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर ले। धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना।